नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मोमिनपुरा के एमएल कैंटीन पर एफआईआर, इंजीनियर को लगाया चूना, कन्हा नदी में डूबकर एक की मौत। आइए आप खबरें देखते हैं विस्तार से। मोमिनपुरा के एमएल कैंटीन पर एफआईआर। ईद के पूर्व विशेष रूप से मोमिनपुरा में नियमों की धज्जियां उड़ाई जाने से वहां भारी पुलिस बंदोबस्त में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कोरोना संक्रमण की कड़ी खंडित करने के लिए मनपा आयुक्त की ओर से जारी लॉकडाउन के नियमों का पालन सुनिश्चित करने की दिशा में लगभग एक महीना से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यहां तक कि ईद के पूर्व विशेष रूप से मोमिनपुरा में नियमों की धज्जियां उड़ाई जाने से वहां भारी पुलिस बंदोबस्त में कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें कुछ दुकानों को सील भी ठोका गया। आलम यह रहा कि अब दुकानदार ने स्वयं सील खोलकर व्यापार शुरू कर लिया, जिसकी भनक पड़ते ही गांधीबाग जोन के सहायक आयुक्त अशोक पाटिल के नेतृत्व में दस्ते ने मोमिनपुरा में दस्तक दी, जिसके बाद न केवल दुकान को फिर से सील ठोक दी गई बल्कि दुकानदारों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की गई। अब अन्य दुकानदारों में दहशत फैली हुई है। तो वही दूसरी ओर इंजीनियर को लगाया चूना। दवा की होम डिलीवरी करने के नाम पर अज्ञात आरोपी ने एक इंजीनियर को चूना लगा दिया। पुलिस ने पराते नगर सोनेगांव निवासी अनिरुद्ध वसन माइंदे की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। अनिरुद्ध पुणे की कंपनी में आईटी इंजीनियर हैं। सोमवार की शाम दवा खरीदने के लिए मेडिकल स्टोर में गए, वहां एक दवाई उपलब्ध नहीं थी। घर वापस लौटते समय उन्होंने गूगल पर सर्च करने का सोचा। दवा के बारे में सर्च करने पर अज्ञात आरोपी ने उन्हें फोन किया, बताई गई दवा होम डिलीवरी करने का झांसा दिया और ऑनलाइन पेमेंट करने को कहा। अनिरुद्ध से क्रेडिट कार्ड की जानकारी और उनके मोबाइल पर भेजे गए ओटीपी मांगा। महज आधे घंटे के भीतर उनके कार्ड से 5 बार ट्रांजेक्शन हुआ और 1,81,000 रुपए ट्रांसफर हो गए। तो वही तीसरी ओर कन्हान नदी में डूबकर एक की मौत। कामटी तहसील के सोनेगांव राजा में कन्हान नदी में डूबकर एक की मौत हो गई। मृतक का नाम नामदेव हीराराम शेंडे निवासी सोनेगांव राजा बताया गया। मौदा पुलिस के अनुसार कामटी तहसील के सोनेगांव राजा निवासी रामदेव हरिराम शेंडे सोमवार शाम 6 बजे नदी पर शौच के लिए गया, लेकिन रात होने के बाद भी वह घर नहीं लौटा। घर वालों ने उसकी सभी ओर तलाश की। मंगलवार को शाम 5 बजे करीब उसकी लाश कन्हान नदी में मिली। घटना की जानकारी मौदा थाने में देने पर हेड कांस्टेबल प्रशांत काले ने घटनास्थल पहुंचकर पंचनामा कर लाश को पोस्टमार्टम हेतु नागपुर भेजा। मौदा पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया। आगे की जांच हेड कांस्टेबल प्रशांत काले कर रहे हैं। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज लाइव पर। नमस्कार।